जब कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो घर बनाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि लोकेशन, वो घर कहाँ पे बन रहा है। तो मेरा पॉइंट ये नहीं कि घर कहाँ पे बना रहे, ये मेरा टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक कुछ और है। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो बेसिक टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर विकसित हुई है कुछ सालों के अंदर, यार घर से क्या होता, घर किसी का घर पुराना हो गया या फिर घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गई, घर को तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से फिर कैसे वो घर को शिफ्ट करेगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर विकसित हो गई कि घर को यार ओवर लिफ्ट भी कर सकते हो और घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हो। तो कुल मिला जुला कर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि घर जैसे आपने किसी भी लोकेशन पे बनाया, पार्टिकुलर लोकेशन में, जैसे कि आपने रोड के सामने घर बना लिया, तो रोड के सामने क्या होता है, घर बनाने के टाइम जब घर बनाते हो आप, तो वहाँ से क्या होता है, घर आपको रोड के घर के हाइट से आपका हाइट घर का काफ़ी ऊपर होता है, लेकिन कुछ सालों में यानी 10-20 सालों में घर का हाइट नीचे हो जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम यह आ जाती है कि घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी समस्या हो जाती है। या फिर एक और प्रॉब्लम होता है, जैसे कि घर का कुछ सालों बाद गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रोड पास किया जहाँ पे घर को तोड़ना पड़ा, तो घर को आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाउस लिफ्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जिम्मेदारी लिया है कि घर को आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको करोड़ों रुपया फिर से खर्चा नहीं करना। अगर आपका आधा घर टूटता है तो घर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, घर को हम थोड़ा सा मूव कर देंगे, यानी घर को थोड़ी दूर और ले जाके शिफ्ट कर देंगे, सेम हाउस को शिफ्ट कर देंगे। अब मेन प्रॉब्लम तब आता है कि घर को कौन कौन से घर को शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस घर को शिफ्ट किया जा सकता है जैसे कि फाउंडेशन उसका पूरे तरीके से कंक्रीट का हो, बीम उसका पूरे तरीके से कंक्रीट का हो और कॉलम पूरे तरीके से कंक्रीट का हो, तो उस घर को शिफ्ट करने के लिए 100% वो शिफ्ट हो जाएगा और ओवर लिफ्ट भी हो जाएगा। यानी घर को हाइट को ऊपर करना है तो 3-4 फीट ऊपर भी कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। अगर आपका घर पूरे तरीके से फाउंडेशन कंक्रीट का है, बीम कंक्रीट का है, कॉलम कंक्रीट का, तो घर को शिफ्ट मूव कर सकते हो। इंडिया में जितने भी घर बनते हैं कुल मिला जुला के घर कंक्रीट, ईंट, पत्थर, इन सारे चीज़ों के बनाए जाते हैं। लेकिन यार कुछ ऐसे कंट्री जैसे कि अमेरिका वहाँ पे घर को जितने भी फाउंडेशन होते हैं फाउंडेशन हो गया, कॉलम, बीम, ये तीन चीज़ कंक्रीट के बनते हैं, लेकिन पूरा का पूरा बिल्डिंग का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो छत की बात करें, पूरा का पूरा वो लकड़ी का बनता है। तो वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाना हो तो उनको कोई मुश्किल नहीं होती और यार बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्पेसेस भी होता है। ये टॉपिक मैं बाद में कवर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि घर को तोड़ने की नौबत नहीं आती है, कि आपका घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि आप सामान को शिफ्ट करते हो, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इंडिया हाउस वर्सेस अमेरिका हाउस का जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें डिफरेंस क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में यार हाउस को यार सिर्फ थोड़ी दूर पर ही लेके जा सकते हो, दूर जगह पे नहीं ले जा सकते। प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों, यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसेस नहीं, यानी स्पेस नहीं है और यार यहाँ पे यार उतने बड़े घर को यार काफ़ी ज़्यादा हैवी घर हो जाता है, जैसे कि यार 5-7 टन का घर हो जाता है पूरी तरीके से। किसी भी 1,000 square feet घर या फिर छोटा सा घर बना लो तो काफ़ी ज़्यादा ओजन हो जाता है, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते। जैसे काफ़ी दूर लेके जाना, 10 किलोमीटर आगे, 15 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर नहीं लेके जा सकते, तो समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती। अमेरिका में क्या होता है, जो उनका घर बना होता है तो घर को बनाने के लिए उन्होंने जो फाउंडेशन होता है, कॉलम होता है, बीम होता है, उसको यूज करते हैं कॉन्क्रीट के, और जो पूरा बॉडी होता है ओवरऑल बॉडी वो बनाते हैं पूरा लकड़ी के। तो उनका ओवरऑल जो होता है पूरा सिस्टम वो पूरा एकदम, जैसे कि यहाँ का घर 5-6 टन का है तो उनका घर 50-1 टन का रहेगा, कुल मिला जुला के ये रहता है, उन घर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते। लेकिन अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी घर होते हैं, मान लो जहाँ पे 10 घर बने हों कहीं पे, तो 10 तरीके के बने होंगे, वहाँ पे 10 तरीके का मटेरियल यूज होगा। किसी भी घर में कॉमन चीज़ आप नहीं पाओगे, सिरमिट ईटा तो कॉमन पा जाओगे, लेकिन डिज़ाइन, ओवरऑल डिज़ाइन इंडिया के अंदर कॉमन नहीं पाओगे, क्योंकि अलग अलग तरीके का ज़मीन होता है, अलग अलग तरीके का शेप रहेगा, अलग अलग तरीके का जगह पे वो बना रहेगा कि वहाँ से यार आप ओवर लिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका में, अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की हाउस की बात करें, तो अमेरिका में ओवरऑल उनका एक स्टैंडर्ड साइज रहता है जो कि एक बंगलो टाइप बनाते हैं पूरा घर, जैसे कि मैंने बताया इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा की तरह पूरे तरीके से सेम होता है, बस साइज का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन ओवरऑल घर पूरे तरीके से 100% सेम रहता है,
चाहे एक्सटीरियर की बात करूँ चाहे इंटीरियर की बात करूँ, अमेरिका में ओवरऑल डिज़ाइन पूरी तरीके से सेम पाई जाती हैं। इसके वजह से वहाँ पर घर को यार बहुत आसानी से 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर घर को उठा के लेके जा सकते हैं और उनको बार बार घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके वजह से यार जो उनकी मेन टेक्नोलॉजी है पहले से वो सोच लेते हैं फ्यूचर की, अगर मुझे ये घर दूसरी जगह शिफ्ट करना उसके हिसाब से घर बनाते हैं और उनका घर काफ़ी ज़बरदस्त होता है। पूरे घर को एक उस पर ओवरलिफ्ट कर लेते हैं और लेके चले जाते हैं जहाँ पर उनको दूसरे घर यानी दूसरे स्थान पर बिठाना है। और इसमें बहुत सारे मैटर करते हैं, जहाँ पर उन्होंने जो सोसाइटी में वो लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती। इंडिया में ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर घर बना होता बहुत ही ज़्यादा यानी क्राउडली बहुत ही ज़्यादा होता है, हर घर को बहुत ही घने घने जगह पे बनाया हुआ होता है। तो वहाँ पर यार इतने यार जैसे कि आपको किसी भी घर को 100 किलोमीटर लेके जाना हो तो नहीं लेके जा पाओगे, बस ये कर सकते हो घर को मूव कर सकते हो 10 फीट 100 10 फीट 15 फीट जितना मूव करना हो तो उतना कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं लेके जाना हो तो नहीं लेके जा सकते हो क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं होता है।